हेलो। हेलो गोविंद भाई जी, राम हाँ जी, राम गोविंद भाई जी। मैंने दिन में बहुत सारे फोन किए थे आपको, आप बहुत बिजी हो गए। हाँ आज मैं सो रहा था क्योंकि 2-3 दिनों से रात रात में मैंने आपका जगना। वीडियो देखा, मैंने आपका वीडियो देखा, आप यहाँ पे भी नहीं थे, कहीं गए हुए थे। हाँ हाँ जी, चलो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक तो नींद पूरी नहीं हो रही थी तो आज आने के बाद फिर सो गया था मैं। है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है। भाई जी एक काम था, एक ना भाई है उसका ना बच्चा 3 साल का है, वो फोन आया आपको किसी का? अच्छा अगर आया भी होगा तो दीदी आज बहुत सारे फोन मिस हो गए हैं। लगभग लगभग अभी 100-150 फोन हैं जिनको मैं कॉल बैक करना बाकी है अभी। ठीक है, और कोई करो ना करो, एक नंबर मैं आपको बताती हूँ, उनको कॉल बैक जरूर कर लेना। उनका बच्चा ना 4 दिन 5 दिन हो गए घर में खेल रहा था, 3 साल का बच्चा है, तो वो गिर गया। बस गिरने से ही ना उसकी एक साइड पैरालाइज हो गई है। कोई बात नहीं, आप उनका नंबर मुझे भेज दो। ठीक है हाँ जी, वो भी आपको बहुत ट्राई कर रहा था, और अगर आप अभी इसी समय उनसे बात हाँ करोगे हाँ तो वो मैं घर पे होगा, अभी मिल अभी जाएगा, क्योंकि अभी कल वो सदर पे चला जाएगा। सदर में ना नेटवर्क नहीं मिलते भाई जी। कोई बात नहीं, मुझे भेज दो। और एक ना आप अपनी बिटिया वाला जो था ना पीठ में जो दिक्कत थी स्किन की वो हाँ जी हाँ जी, मुझे दोबारा भेज देना क्योंकि पीछे मेरा ना फोन वगैरह भी खराब हो गया था तो सारा, और थोड़ा सा रह जाता है, इतने सारे सवाल होते हैं जवाब देना रह जाता है। तो मुझे बिल्कुल याद बिल्कुल, तो मैं था मानती लेकिन हूँ। मैं वो नंबर ध्यान में कहा चलो आएगा फोन अरे नहीं, तो। मेरे मन में भी कोई ऐसी वो नहीं है शंका, पता है क्यों? आप इतने बिजी रहते हो और आपके सारे वीडियोस मैं देखती रहती हूँ, सारे वो जो आते हैं छोटे छोटे अनुभव आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना, दिल को छू जाते हैं। मैं सब देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ। अभी ये इस इंसान को मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरी कोई बात भी नहीं हुई, बस मेरे हस्बैंड ने ला के मुझे ये बात बताई है, तो मैंने हस्बैंड के फोन में से नंबर निकाल के मैंने आपसे बात करी। फिर मैंने आज शाम को उस भाई से बात करी, कहते हैं वो बस 3 साल का है मैडम, वो गिर गया। गिरने के बाद फिर हम उसको ना ले गए एक हॉस्पिटल एम्स में, उन्होंने लोकनायक में डाल दिया। लोकनायक वालों ने डेट दे दी है, सीटी स्कैन करेंगे। कह रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ मैडम जी, मेरा बच्चा बचा लो मेरा बच्चा। मैं क्या, भाई जी आप चिंता मत करो, आपका बच्चा कुछ नहीं होगा, 3 साल के मासूम बच्चे को तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं आपको एक नंबर लिखवाती हूँ, आप नंबर लिख के ये भाई से बात करो, ताकि इसकी जान में थोड़ी सी जान आए आपकी बात सुन के। बात करें, नंबर दीजिए। हाँ जी, 7985 एक मिनट, 7985 7249 7249 83 83 क्या नाम है? इस भाई जी का नाम भी राम जाने हैं, देखो ठीक सब है कुछ राम जानता है। ठीक है मैं अभी कर रहा हूँ दीदी। हाँ जी, इनको फोन करके इनकी मैं परेशानी पहले सुनो और इनको पहले 3 साल के बच्चे को बचाओ बात आप। करता हूँ क्योंकि मैं घर के ऊपर जा रहा था, मैं पहले बात कर लूँ। हाँ जी, आप इनसे बात करो और मैं आपसे 1-2 दिन बाद इनके बारे में आपसे पूछ लूंगी। ठीक है ठीक ठीक है भैया। और नमस्ते। हाँ सर, तो मैं राम जन्म प्रजापति बोल रहा हूँ सर। वो जो बच्चा हमारा तबीयत खराब हो गया था तो सर क्या इलाज इसका था? क्या तबीयत खराब हो रखे है? तो बच्चा मेरा गिर पड़ा था तो उसका पीछे का कोई नस दब गया है, एक तरफ पैरालाइज हो गया है पूरा, मुंह से लेकर हाथ पैर सब। ठीक है। हाँ सर, कहाँ रहते हो? ये 30 हजारी के पास में। अच्छा, अभी बच्चा कहाँ है? यहीं पे है हमारे पास में, 30 हजारी। जी कितने कितने दिन पहले हुआ? ये अभी 3 दिन पहले है सर। अच्छा। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, तो आप बताया जाए, फोन आया था वो बता, तो मैडम फोन किए थे तो बोले थे कि सर का नंबर फीड कर लो और सर के पास कॉल करना और वो बताएंगे जैसे जैसे घर पे इलाज। घर में लहसुन है? हाँ जी है। है एक लहसुन को। हाँ
फूट के हाँ आधा कप दूध और आधा कप पानी में उबालना। अच्छा, जब वो आधा कप रह जाए, पानी वाला हिस्सा उड़ जाए, तो छान के ये दूध इसको बच्चे को पिलाओ। और सब देसी गाय का घी लेके आना, देसी गाय का घी जी, उसकी एक एक बूंद। ये गांव वाला जो घी, हाँ देसी गाय का घी, और सर एक एक बूंद हाँ उसके नाक में डालो दिन में दो बार। तो लहसुन वाला जो है ये प्रक्रिया में अभी शुरू कर दूं? और घी तो अभी है नहीं, घी मंगाना पड़ेगा किसी से कहीं से? हाँ ये अभी अभी शुरू कर दो। तुलसी का पेड़ है? हाँ वो भी मिल जाएगा सर। तुलसी के पत्तों को, 5-6 पत्तों को 1 चम्मच पानी में अच्छे से मसल देना। अच्छा, कहाँ पे? सर आवाज साफ नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो, हाँ सर अब बताया तुलसी के पत्ता वाला कैसे करना है? 5-6 तुलसी के पत्ते हाँ 1 चम्मच पानी में अच्छे से मसल देना। अच्छा, एक एक बूंद नाक में डाल देना। हाँ, बाकी में शहद मिला के चटा देना। अच्छा सर, एक लहसुन वाला दूध हाँ, एक तुलसी वाला प्रयोग हाँ, और मैं होम्योपैथ की दवाई का नाम लिख के भेज रहा हूँ। अच्छा, होम्योपैथ की दुकान से लाके। अच्छा सर, इसकी 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के दिन में 3 बार पिलाओ। अच्छा सर, और 5 दिन बाद बताओ कि बच्चा कैसा है। ठीक सर, ये भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बाबू, ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गोविंद भाई जी, राम राम, वंदे मातरम। गोविंद भाई जी, मुझे आपको ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राम जाने से अभी अभी मेरी बात हुई है तो वो कह रहा है मेरे को 50% आराम है। मेरा बच्चा पहले खाता नहीं था, चलता नहीं था, हाथ नहीं उठाता था, पूरा एक साइड पूरा उसका डैमेज हो गया था, पैरालाइज। अब वो 50% आराम है, वो मेरे को बुलाता भी है, पापा पापा बात भी करता है। पहले बात करना भी बंद हो गया था, हर समय रोता रहता था, अब रोता नहीं है, खाना भी खा लेता है और चल भी लेता है, पर अभी थोड़ी सी दूरी जाके गिर जाता है पर फिर उठ के संभल के चल पड़ता है। तो गोविंद भाई जी, हैट्स ऑफ यू, आप जैसे भाई सबको मिलने चाहिए, सबको, ताकि कहीं कोई दुख ना हो। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। मेरा गला भर आया था, सॉरी, मेरी आंखें नम हो गई थी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो गोविंद भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस मेरे पास इससे ऊपर लफ्ज नहीं है, धन्यवाद। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप मेरे को नॉर्मल कॉल कर लो तो मैं आराम से खुले एरिया में कर लूँ। असल में ना यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये बात थी, पर भाई जी आपने तो हेड शॉक किया, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल दीदी मेरा नहीं है, कमाल तो ये भाई राजीव दीक्षित जी की आवाज का है, जिसकी बदौलत हम इस राह पे चले और परिवार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार, कि जो भी परिवार हमारे संपर्क में आए तो स्वस्थ और समृद्ध हो जाए। स्वस्थ होना, स्वस्थ करने वाले तो हजारों लोग बैठे पड़े हैं दुनिया में। बिल्कुल, लेकिन स्वास्थ्य, स्वस्थ होने के साथ साथ समृद्ध होना भी बहुत जरूरी है, मतलब समृद्धि का नाश ना हो, तो उसके लिए होम्योपैथ की चिकित्सा और रसोई घर की चिकित्सा सबसे सरल और सबसे सस्ती मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जेब के अंदर आ जाती है। और ये आपने मतलब ऐसा ना, आपके आशीर्वाद से, देखिए उस भाई का, उस बच्चे का कल्याण होना था,
तो आपके पति जी ने, आपने जो पति जी को पढ़ा, पति ने आपको बोला, और आपका उस दिन ना जाने इतने मिस कॉल आए होंगे, मैंने भी नहीं देखा, और मैं भी उस दिन व्यस्त था तो। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि उस भाई ने विश्वास करके उस चीज को अपनाया, नहीं तो कौन आदमी किसी राह चलते नजीर की बात मानता है। बिल्कुल, मैंने कहा भाई आपका नाम तो राम जाने है, तो राम जाने नाम ही जब इतना बढ़िया है तो फिर बस सब कुछ राम पे छोड़ के दिल से कर लो ना। फिर अगले दिन इनका फोन मैंने किया, मैंने कहा लाए सब सामान शुरू करा, अब मुझे नहीं पता गोविंद भाई जी ने आपको क्या क्या उपाय बताए हैं, पर आपने सब करा। तो वो कहता दीदी मेरे पास घी नहीं है, और वो मैं तुलसी वाला भूल गया, कैसे करना था मेरे दिमाग से निकल गया, मैं उस समय काम में बैठा हुआ था। तो ये ना लेबर है बेचारी मजबूर, और कुछ लोग बहुत शरीफ और सीधे बाहर से आए हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता, और दिल्ली वाले उनको लूट के खा जाएंगे भैया मैं आपको बताऊं। तो ना फिर मैंने, फिर मेरे को कहा, मैंने फिर उसको हल्का सा गुस्सा किया, मैंने कहा अब रखो फिर आप फोन करो तो अच्छा है, नहीं तो मैं फोन करूँ तो देखो फिर बात घूम के आएगी, मेरे से बात आप पे जाएगी, फिर मैं गोविंद भैया से पूछूंगी। अब डायरेक्ट वो आपको 10 बार ही बताएंगे, आप बिल्कुल हक से प्यार से पूछो, 10 बार ही कोई कंफ्यूजन है, फिर उन्होंने आपको फोन किया होगा या मैसेज पे बात हुई होगी, जो भी होगा फिर उन्होंने दिल से किया। फिर भी उनका यूपी से घी नहीं आया। मैंने फिर उसको 3 दिन बाद डांट के बोला, भाई यूपी से नहीं आया तो तू पतंजलि का तो ले ले, 200% खरा नहीं है, कम से कम 100 ही मिलेगा ना, खरा तो मिलेगा, दूसरी चीजों पे मत जाओ। अच्छा दीदी मैं डिब्बे वाला दूध पिलाता हूँ उसको बच्चे के लिए, ठीक है? मैं क्या उसको जहर ही पिला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, माँ बाप होने के नाते बच्चे को जहर दे रहे हो आप धीरे धीरे, कितने केमिकल है उसके अंदर गंदे, पता है बच्चे के दिल पे अंगों पे अंदर क्या असर पड़ेगा उसकी चीजों पर, कितना अनमोल बच्चा होता है हमारा, है मासूम सी जान है। तो उसको मैंने इतना डांटा, मैंने कहा कुछ नहीं पतंजलि वाले भी सब कूड़ा कर रहे हैं मैं मान रही हूँ, पर वो डब्बे से थोड़ा सा सही होगा, अभी उसका दूध लाओ उसी का पिलाओ, डब्बा बंद करो उसी का घी लाओ, जब तक गांव से नहीं आता छोटा सा पाव डिब्बा मंगा लो उसी से काम चलाओ। अरे भैया मानोगे नहीं, वो चाहे वो उसका 50% कूड़ा है बाबा रामदेव का, पर उसने इतना इतना मिरेकल कर दिया, कहता है दीदी मैं आज बता नहीं सकता, बहुत खुशी हूँ आपने आज मुझे 8 दिन बाद 7 दिन बाद फोन करा, मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे को अच्छा लगा। कहता दीदी एक बंदा ऐसा और है, बहुत है हमारे पड़ोस में लेडी है, बहुत इतने सालों से परेशान है आप उनका भी। मैं क्या मैं कौन होती हूँ, मैं क्या भैया वो सब गोविंद भाई है, वो इतनी बड़ा ये संस्था चला रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी दुनिया को ठीक कर रहे हैं, आप उनसे बात करो डायरेक्ट हर बंदे को। आज मैंने आपको बोला है ना, आप अपने 10 बंदों को आगे ये फॉरवर्ड करो बातें और ये फोन नंबर, और उनको बिल्कुल खुले आम जिगरे से कहो खुश होके कि आप अपनी परेशानी अपना हाल इनको बताओ और सोल्यूशन और मन से करो और देखो कैसे ठीक होते हो। कोई लोकनायक, कोई एम्स, कोई कहीं MRI CT स्कैन कुछ कराने की जरूरत नहीं भाई, तो मजबूर मजदूर बंदा दिल्ली में काम कर रहा है, तेरी जेब में कहाँ 1500-1500 रुपये MRI और CT स्कैन के आएंगे। तो भैया वो समझ गया, उसने दिल से सब कुछ करा, और मैं दीदी बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैंने कहा बस अब अगले हफ्ते फोन करूंगी, पूरी प्रॉपर 100% वाली खुशी दे देना। हो जाएगा, बाकी एक बार ना उसका नंबर मुझे दोबारा भेज देना, ताकि अगर कुछ चीजें समझानी होगी तो समझा दूंगा। तो देखो दीदी ऐसा ना, हमारे पास तो जो आते हैं हम बता देते हैं, जब सामने से रिस्पॉन्स आता है तो फिर हमें भी उनके साथ मिलकर और काम करने का और बताने का मन करता है। पूछने को तो दीदी मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, आपको मैं बताऊं, मैं डेली के 200-250 लोगों को इलाज फोन पे बताता हूं और 500-600 लोगों को मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे पाता हूं। लेकिन जो जब रिप्लाई आता है ना पीछे से, तो हमें भी अच्छा लगता है, चलो ठीक है ये बंदा करने वाला है, तो जब जो करता है तो हम उसके पीछे और लगते हैं, क्योंकि हमें भी, हमें समाज में विश्वास पैदा कराना है कि पुरानी जमाने की दादी नानी के जो उपचार थे वो किसी मिरेकल से कम नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मेरे पास अभी अभी एक ऑडियो आया है, मुझे यही नहीं पता कि मैंने उनको इलाज कब बताया, मुझे किसी और ने किसी और ग्रुप में वो मेरे को फॉरवर्ड करी, दीदी का फोन आया कि भैया मैंने आपको एक ऑडियो भेजा है। मैंने कहा अच्छा हो सकता है किसी की समस्या भेजी होगी, मैंने उसको सुना तो कह रहे भैया आपको ये ऑडियो मिली नहीं। मैंने कहा यार पता नहीं कितने सारे ग्रुप हैं, अब उन्होंने ग्रुप में डाल दिया, पर्सनल भेजा होता तो मैं उसको सुन के फिर अपने चैनल पे चढ़ाता। 70 साल की माता जी चक्कर से परेशान थी, उनका चक्कर घन चक्कर बन गया, किससे? तुलसी मुनक्का और लहसुन से। ओहो मजा आ गया सुन के। तो ये चीजें हैं, तो मिरेकल इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो एक्चुअली क्या दीदी, और उसके बाद जब इसमें होम्योपैथ की मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, होम्योपैथ की कोई भी दवाई लेने जाओ 80 रुपए 100 रुपए में आ जाता है।
भैया सच बात है बताऊं, आ जाता है, पर ना अभी मेरी भी कंडीशन इतनी खराब है ना कि मैं आपको सच बताऊं कि मेरे खुद की जेब में नहीं होते होम्योपैथी के 250-300 रुपए की 3 दवाइयां अगर उठानी है तो मैं नहीं उठा सकती। मुझे आपके दूसरे देसी नुस्खों से इतना, आपने मुझे कहा दीदी, जिस दिन मेरी राम जाने वाली बात हुई आपने कहा दीदी ये राम जाने वाला केस मैं देखता हूँ सोल्व करता हूँ, उसके बाद आप मेरे को अपनी बेटी का भी भेजो। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी आपसे बात करने की, क्यों? क्योंकि आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक माँ बेटी वो ACV एप्पल साइडर विनेगर वाला इलाज, हाँ भैया उसने मेरी बेटी पे जादू कर दिया ACV ने। हाँ आपको मैं उसी पहले की फोटो और आज की फोटो भेजूंगी, आप कहोगे बस दीदी यही वाला काम आप और 2-4 महीने और कर लो, बिल्कुल चमक जाएगी। आप मेरे को भेज देना ताकि वो दूसरे के विश्वास बढ़ाने के काम आएगा और साथ में थोड़ी सी 2-4 लाइनें भेजूंगी। हाँ मेरे को लिखना लिखना नहीं आता, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ऑडियो भेजती हूँ और ऑडियो पे बात करती हूँ और ऑडियो आपको दूंगी और आप बिल्कुल उसको आगे करो। हाँ हाँ दीदी, मुझे खुशी होगी, मैं भी सुनूंगी। हाँ हाँ मैं कह तो रहा हूँ दीदी, मुझे यही सब चीजें मुझे समाज में जागरूकता फैलाना, और अभी हमारी जो जागरूकता की पहल है ना वो आप मान के चलो कि पूरे ब्रह्मांड में जितना छोटा सा धूल है ना उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बस हम लोग आपस में मिले हुए हैं तो हमें लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं हुआ है जिससे कि एक हवा के रुख ले। भैया असल में ना ये एजुकेशन बहुत ज्यादा आगे हो गई है। हाँ लोग मानते ही नहीं, विश्वास नहीं करते, लोग कहते हैं एजुकेशन एजुकेट है हम, डॉक्टर पे जाके गोली और डॉक्टर डर्मेटोलॉजी पे जाएंगे, हम क्यों ये दिखाएंगे हमें चमड़ी रोग हो गया, हम क्यों घर में कहना मानेंगे आपका। लेकिन अब बताता हूँ दीदी, अब जैसे अब हमने जब से इस पर फीडबैक डालना शुरू किया है मेरे पास डॉक्टरों तक के फोन आते हैं, डॉक्टर तक के मतलब बिल्कुल मैंने अनुभव सुने हैं पढ़े हैं, बिल्कुल मैंने 200% अप्रिशिएट किया। हाँ। और दूसरी बात, आज ये राम जाने ने मेरे को बोला था दीदी मेरे को आपसे एक बात है, किसी की परेशानी है, तो मैंने आपका बोला कि इनका दो, कहते हैं नहीं पहले वो लेडी से आप बात कर लो उसको हिम्मत दो, मैंने कहा करूंगी ठीक 4 बजे करूंगी, ये बात हुई थी मेरी सुबह 11 बजे। हाँ। 4 बजे मैंने राम जाने को इतने फोन करे कि वो जिस फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहा होता ना, ये 200% सच है कि वहाँ कनेक्शन नहीं मिलता। हाँ हाँ अब वो कमरे पे जाएगा अपने, 30,000 ही रहता है सेंट स्टीफन के आसपास, वो अपने कमरे पे जाएगा, वहाँ जाके मेरी उससे बात होगी, मैं भी अपने किचन के कामों से सिमटूंगी, तो भैया मैं उससे पूरी उस लेडी से बात करके उसको सारा ब्यौरा दूंगी कि ये भाई इसने जगत का वो उठा रखा है बस बीड़ा ठीक करने का। और आप मानोगे निस्वार्थ, मेरा हस्बैंड उनसे सिर्फ माल उठाते हैं, थोड़ा सा माल उठाने के बावजूद मेरे हस्बैंड ने आके मेरे को बोला नीतू यार मैं जिससे सामान लेता हूँ ना उस बच्चे का ना अचानक से मेरे सामने खेल रहा था, खेलते ही अगले दिन मैं उस पे गया तो उसने मुझे खबर दी कि वो नहाते नहाते बाथरूम में स्लिप मार गया, नोटी बच्चा 3 साल का स्लिप मार गया, और कहां वो मेरे सामने हंसा खेलता रहता था फैक्ट्री में। मेरे दिल में इतनी दर्द हुई, मैंने क्या किया मानोगे नहीं, और राम जी की कसम मैंने चुपके से हस्बैंड के फोन में से वो नंबर चोरी किया, मैंने अपने लैंडलाइन से किया, ताकि मैंने बच्चों के फोन से हस्बैंड से भी नहीं किया कि कोई किसी को परेशान भी करे, मेरे बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, मम्मी जो काम करने हैं ना आप अपने लैंडलाइन से किया करो, क्योंकि मेरे पास तो भैया फोन भी नहीं है, मैं तो इतनी पूरी सूरी चद्दर वाली हूँ। तो मैंने लैंडलाइन से उसको फोन किया, उसको परेशानी बताई, सुनी उसकी, मैंने उसको आपका नंबर दिया, बस निस्वार्थ होके मैंने उसका नंबर निकाला, निस्वार्थ होके, ना आज तक उसने मुझे देखा, ना बात सुनी, ना मैंने उसको देखा, पर वो कहता है मैडम जी मुझे आज सुबह बात करके कि मैडम मुझे इतनी खुशी हुई कि आप जैसे बंदे ने फिर से मुझे 8 दिन बाद फोन करके हालचाल पूछा मेरे बच्चे का, मैं कह भैया कैसे छोड़ देंगे आपको बताओ, और जब उसने खबर दी तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि 3 साल के बच्चे को जान मिल सकती है तो दुनिया का हर बंदा ठीक हो सकता है, सिर्फ जागरूकता फैलाने की जरूरत है, सिर्फ बोलने की, और मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बावजूद देखना मेरी बेटी खुद कहती है मम्मी आपको इसमें खुशी मिलती है, मैंने कहा आरती मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मैं तेरे को बता नहीं सकती, मेरे अंदर दिल में भगवान ने ना ये चीजें ऊपर से डाली होती है जन्म से, ये कोई 1-2 दिन से 1-2 महीने से नहीं आती है, जन्म से डाली होती है। मैं अपनी ब्लॉक में भी वॉक करती हूँ ना, 4 लेडीज मुझे चलती हुई टेढ़ी मेढ़ी या स्टिक लेके, अब एक लेडी है आप भैया मानोगे नहीं उसको रूमर अर्थराइटिस मतलब एक चीज में कोई दिक्कत होगी ना वो सेम लेफ्ट में भी होगी, लेफ्ट होगी तो सेम चीज राइट में भी, अब मैंने उसका इतना दिमाग खोलने की कोशिश करी पर वो बिल्कुल होपलेस है, मैंने कहा फिर जो बंदा ही होपलेस है उसको मैं कैसे जगाऊं। हाँ वो तो
वो तो दीदी कुछ कह ही नहीं सकते, वो लोग तभी जागेंगे जब बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव, चमत्कारी अनुभव सामने सुनने को मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना, लोग हैं नहीं मानेंगे, हाँ। नहीं मानते, आप रहने दो। ये फिर मैं वहाँ कोशिश हार जाती हूँ, छोड़ देती हूँ, पर जहाँ जो विश्वास मानता ना, निस्वार्थ किया था, चोरी करके फोन नंबर निकाल के उसकी सेवा की थी, ऊपर वाला देख रहा था और कहाँ से कैसे कनेक्शन हुआ और कहाँ से। आप भी नहीं जानते उस राम जाने को, उसके 3 साल के बच्चे को नहीं जानते, आपने कैसे दिल से उसको ठीक किया, अब मैं बता नहीं सकती आपकी कितने एफर्ट्स हैं। बस यही बात है भैया, एक राम जाने का नंबर दोबारा आप मेरे को भेज देना। हाँ जी, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। और बेटी वाली फोटो भेज देना, पहले और बाद वाली। मैं गोविंद भाई, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं फोटो आराम से निकाल के आपको पूरी ऑडियो बना के इसका नंबर अभी भेज देती हूँ, इसका नंबर अभी भेज देती हूँ। हाँ जी दीदी, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी, हेलो हेलो, राम जाने जी नमस्ते। नमस्ते, गोविंद बोल रहा हूँ। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? ठीक है सर। बाबू कैसा है? बाबू सर बहुत ठीक है सर, बहुत ठीक है। क्या क्या किए थे सर? अभी घी वाला सिस्टम नहीं पूरा हुआ था, और लास्टन वाला, और क्या कहते हैं, तुलसी वाला, तुलसी वाला हुआ था सर, और जो दूध में ये सब हल्दी वल्दी डालते हैं ये वाला सर। तो होम्योपैथ की दवाई ला के दिए थे सर? होम्योपैथी भी अभी नहीं लाया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा सर। अच्छा, मतलब तुलसी के पत्तों के रस वाला और लहसुन के दूध वाला। हाँ। अच्छा, इसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। आज अगर हो सकेगा सर तो मैं कोशिश करके मैं होम्योपैथी लेके आऊंगा। ठीक है सर। क्या है कि थोड़ा मुझे दिक्कत भी पड़ गया बीच में, और समय से नहीं मिल पाया, मुझे जानकारी नहीं था कि होम्योपैथी की हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है,